पत्नी ने अपने पति पर लगवाया छेड़छाड़ का आरोप। विदिशा में गर्जन उत्तर प्रदेश गजेंद्र निवासी राजपूत कॉलोनी का है मामला, जिसकी शादी संध्या पद्धी के साथ हुई थी, जिसमें उनका एक बेटा भी था जिसका नाम दिव्यांश था, जिसकी आयु 5 साल की थी। लेकिन संध्या पंथी का उसका सौतेला ससुर भगवान सिंह पंथी ले गया घर पर और उसके साथ उसकी पत्नी को कोई अता पता नहीं है। पति ने परिवारजनों से इस विषय पर बातचीत की अपनी पत्नी के बारे में, तो परिवारजनों ने कहा है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। पति का कहना है कि मुझे बिना तलाक दिए कैसे दूसरी शादी कर ली। इस बात को लेकर गजेंद्र पंथी का कहना है कि सौतेले ससुर का एक रिश्तेदार है, दीनदयाल पंथी मुझे कहीं बाहर रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी देता है कि तूने कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या नाम है आपका? गंजन गजेंद्र। कहाँ रहते हैं? राजपूत कॉलोनी विदिशा। क्या समस्या थी जो एसपी ऑफिस आए थे? श्रीमान, मेरा सौतेला ससुर मुझे 4-5 साल से पीड़ित कर रहा है। वो मेरी पत्नी मेरे बगैर तलाक के मेरी सास ने लिखत में दे दिया न्यायालय, उसने दूसरी शादी कर ली। मेरा एक बच्चा है, बच्चे का नाम दिव्यांश है, कई दिनों से परेशान कर रहा है मेरा सौतेला ससुर और मेरी सास, और एक सौतेले ससुर का रिश्तेदार है दीनदयाल, ये लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। तो मेरी पत्नी को आज दिनांक तक मेरे साथ में भेजी, 4-5 वर्ष हो गए, और मंदिर से शादी होती है, पैसे ले लेते हैं 4-5। कौन पैसे लेता है? पत्नी ने दिलवाए थे ननिया ससुर को 2 लाख रुपये हैं, और 1.5 लाख रुपये सास को दिलवाए थे, वो 2-2.5 लाख रुपये की रकम थी, तो पूरे ले गए। और तो और एक गाड़ी तक लेके गया है जो मेरे रिश्तेदार की गाड़ी है, और काफ़ी दिनों से परेशान हूँ अभी तक। अच्छा, दूसरी बात क्या कहते हैं इनके माता पिता, क्या कहते हैं लड़की के? बाप कहता है कहीं दूसरे के संग भक्कर कोट मच कर लिया, लड़की बोलती मैं माँ बाप के घर रह रही हूँ। आपको तलाक दे दिया क्या? नहीं हुआ तलाक, मेरा तलाक नहीं हुआ। हाँ। और फिर भी दूसरी जगह रह रही क्या? हाँ जी। फिर क्या हुआ? श्रीमान जी, आज दिनांक तक और पत्नी ही मुझ पर शादी के 2 साल बाद बच्चा होने के बाद में छेड़छाड़ का आरोप लगाती है। पत्नी का नाम संध्या पंथी। कहाँ निवास करती हैं? वो विदिशा में रह रही है। कहाँ रह रही है अब आज दिनांक तक मुझे तो पता नहीं है, ना वो मेरे सामने आई ना न्यायालय में पेश हुई, और मुझ पर झूठा आरोप शादी के 2 साल बाद बच्चा होने के बाद में छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। मेरा 4-5 वर्ष का बच्चा है, बच्चे का नाम है दिव्यांश। क्या चाहती हैं आप? मैं श्रीमान जी अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को भी रखना चाहता हूँ। बस मेरा सौतेला ससुर पीड़ित कर रहा है काफ़ी दिनों से, कई दिनों से पीड़ित हूँ मैं, अभी तक मेरी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। थाने भी जाता हूँ तो थाने कोई FIR दर्ज नहीं होती। पहले तो क्या चाहते हैं, निष्पक्ष जांच चाहते हैं क्या? हाँ जी सर, मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ। कहाँ है मेरी पत्नी, किसके साथ रह रही है, किसके साथ निवास कर रही है, श्रीमान जी मुझे ये पूरा चाहिए। मैं जाँच करवाने के लिए इस पर आया हूँ। धन्यवाद।